पंजाब में बाजार 9 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में मार्केट सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। बिजली बजट प्लान पर पीर से अमल दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ताजिर रहनुमा और दीगर हुकूमती तजावीज और मुलाकातों के बाद फैसला कर लिया है। पहले मरहले में लाहौर समेत बड़े शहरों में अमल दरामद शुरू होगा, जबकि लाहौर समेत बड़े शहरों में सोमवार से रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। मजीद इस हवाले से तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज आयान मलिक से। आयान मलिक, बड़ा फैसला सामने आ चुका है और पीर से रात 9 बजे के बाद बाजार बंद हो जाया करेंगे, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, बिजली की बचत के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है बड़ा फैसला किया गया, जिसमें जो है जितनी भी बड़ी मार्केट है उनको रात 9 बजे जो है बंद करने का फैसला किया गया है। अभी तक इसका जो है हुकूमत की जानिब से तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ के ऊपर जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक जितने भी अफसरान उन तमाम को हदायत जारी की गई है कि इसके ऊपर जो फौरी तौर पर जो है अमल दरामद शुरू कर दिया जाए, जिसके बाद जो है टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर में जो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें टीमों में जो लाहौर में 9 टीमें तश्कील दी गई हैं एमसीएल की जानिब से, जिनको जो है कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो है वो खुद मॉनिटर करेंगे, जबकि लाहौर